प्रदेश के सियासी गलियारों में से एक अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट और वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की विधायकी जाने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग के अनुसार इन दोनों जगह 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले मुलायम सिंह यादव का 10 नवंबर को गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। वो 82 वर्ष के थे। इसके बाद मुलायम सिंह यादव का उनके गांव सैफई में अंतिम संस्कार किया गया था। आपको बता दें कि जिस वक्त मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, तब वह मैनपुरी के सांसद थे। अब उनके इस दुनिया से जाने के बाद यह सीट खाली हो गई है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव को सपा मैनपुरी से उपचुनाव का टिकट दे सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि परिवार में एकता बना रहे, इसके लिए शिवपाल यादव को भी मनाने की कोशिशें राजनीति स्तर के बजाय परिवार की ओर से अंदर खाने में चल रही है। हालांकि शिवपाल ने परिवार की एकता पर भी जोर दिया है। उनके बेटे आदित्य यादव ने भी कहा था कि पूरा यादव परिवार एक है। ऐसे में चर्चा है कि मैनपुरी से अखिलेश यादव जिसे उपचुनाव का टिकट देंगे, उसमें शिवपाल की भी रजामंदी होगी। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि चाचा भतीजे की ये जुगलबंदी सिर्फ उपचुनाव तक ही सीमित रहेगी या फिर लोकसभा चुनाव तक भी जारी रहेगा।